स्वतंत्रता दिवस है, इसको लेकर तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को देखिए, तिरंगा यात्रा निकालने के पहले की तस्वीर आप देखिए, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तिरंगा यात्रा में। हुजूर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित हो रही है तिरंगा यात्रा, 30 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और हुजूर विधानसभा में इस वक्त मौजूद है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आज के दिन हमारे देश का बंटवारा हुआ था, मुख्यमंत्री ने कहा, और लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि आज के ठीक अगले दिन 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब देश आजाद हुआ। गांव के प्रभाव में मुस्लिम लीग
और उनके कई सारे षड्यंत्रों के कारण से हमारे देश का बंटवारा हुआ और देश का बंटवारा को क्या हुआ वो शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने लाहौर में बैठ करके भारत को आजाद कराने की कसम खाई थी। दुर्भाग्य के साथ देश को आजाद हुआ लेकिन वो हिस्से हमारे हाथ नहीं आए और एक गोली आजादी के समय कांग्रेस ने जो घुटने टेके और लाखों लाख देशभक्त लोगों को भूखे भेड़ियों के आगे मरने के लिए डाल दिया। छोटे छोटे बच्चे थाले में टांग करके उसके सर का तमाशा दिखाया गया, माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। रेल की रेल लाशों से कटी हुई हिंदुस्तान आई। रातों रात ऐसा समय हुआ जो कांग्रेस के नेता ने कहा था किसी भी हालत में आप चिंता मत करिए, देश का बंटवारा नहीं होगा। बड़े बड़े नेताओं ने एक स्वर में बोला था लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है सारे वादे झूठे हुए और पूरा देश इस भयानक विभीषिका के चपेट में आया। मुझे इस बात की अत्यंत ग्लानि भी है। देश की आजादी के समय जब देश नई करवट ले रहा था, पूरा देश अपनी आजादी की आग में अपने आप को झोंकने के लिए तैयार था, लेकिन ऐसे समय में कायरतापूर्ण तरीके से जैसा देश का बंटवारा मंजूर किया गया और बंटवारा ने मंजूर किया और तो इस बात को छुपाया गया कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब हमारे कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, ये झूठ बोल करके हमारे लाखों हिंदू भाई बहनों को मौत के मुंह में धकेला गया। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सही कहा है विभाजन की विभीषिका, अरे दो भाइयों का बंटवारा भी होता है तो पूरे परिवार में भूकंप आ जाता है, पूरा परिवार होता है, बच्चे बूढ़े जवान, इतना बड़ा देश और केवल इस आश्वासन के भरोसे थे कि हर हालत में देश का बंटवारा नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है ये बंटवारा हुआ और हमने सबने वो कष्ट आंखों से तो हमने तो नहीं देखा लेकिन इतिहास गवाह है आजादी के समय के वो अन्याय, अत्याचार और तो ऐसे कई सारे घटनाक्रम है जिनके बारे में बोलूंगा तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने उस विभाजन की विभीषिका को हम सबको अपने सीने के अंदर वो आग उत्पन्न करते हुए देश की आजादी की कीमत देश ने क्या चुकाई थी। और यशस्वी विधायक श्रीमान प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर जी के जोरदार ताली बजाइए रामेश्वर शर्मा जी के लिए। आजादी के रंग में यशस्वी प्रधानमंत्री ने मौका दिया है कि ये तिरंगा हमारे आन बान का शान का प्रतीक है और ये अंदर चलने वाला चक्र ये देश की गति को बताता है। इसकी 24 कनिया दिन और रात अनथक रूप से लगातार समय बढ़ता है और हम अपनी प्रगति का चक्र लगातार धारण करें इसकी ओर इंगित करता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था हमने बनाई है, वो इंग्लैंड जो 250 साल तक हम पे राज कर रहा था लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ करके ये देश की शक्ति को लेकर के युवा शक्ति को लेकर के भारत आगे बढ़ा है और इसी 5 साल में तीसरे स्थान पर आएगा। ऐसे में आजादी का ये जश्न हमारी होली दिवाली सारे त्योहारों से बढ़कर मनना चाहिए।
तो हर घर में जैसे दीपावली पे दीपक लगाए बिना दीपावली मनती नहीं है, ऐसे हर घर तिरंगा लगना चाहिए। और तिरंगों को क्या लगा, महासागर आ गया, महासागर अपने आप के लिए ताली बजाओ। हर वीर महावीर का सपना होता है, ये जन्म अगर किसी ने दिया है, ये इज्जत किसी ने दी है, देश का स्वाभिमान किसी ने जिंदा किया है, तो हमारे तिरंगे ने किया है। इसलिए तिरंगे की आन बान शान के लिए लोग जीना भी चाहते और वीर महावीर अपने शरीर से निपट करके शरीर छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए आज ये विराट रैली जो निकलने जा रही है, मेरी अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में हमारी सरकार लगातार युवाओं के लिए, खासकर रोजगार का अवसर बढ़ाने के लिए, हमारा खेती में किसानी में इसमें लगातार प्रगति हुई है, लेकिन युवाओं के लिए औद्योगिक दृष्टि से, आईटी की दृष्टि से, अलग अलग प्रकार के नए कोर्स की दृष्टि से रोजगार की बहुत बड़ी संभावना है। हमारा सौभाग्य है कि अपने देश के अंदर 142 करोड़ देशवासी है, लोग डरते संख्या से, लेकिन इसको यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में 142 करोड़ केवल लोग नहीं है, 142 को डबल कर दो तो 284 करोड़ लोगों के हाथ विकास का इंतजार कर रहे हैं, उनके हाथों में काम मिलेगा, दुनिया में भारत आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको भाव पर बधाई, कल 15 अगस्त की भी बधाई, और कल का दिन आज के साथ आज से शुरू हुआ है, और कल हमारा आनंद से पूरा देश और पूरा प्रदेश इसी आनंद उत्साह के साथ मनाएगा। मध्यप्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के मामले में कदम से कदम मिला करके लगातार अपनी गति बनाए रखेगी। एक बार फिर हमारे मित्र और आप सबको भी माने रामेश्वर जी के नेतृत्व में जोरदार तालियां बजाओ, और अपने आप में इस तिरंगा अभियान में हम शामिल होंगे। जब तक ये आपका पूरी नहीं होगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जब तक यात्रा पूरी नहीं होगी कोई यात्रा से नहीं जाएगा। किसी हालत में अपने हाथ का तिरंगा ये नीचे नहीं झुकने पाए, इसका अपमान नहीं होने पाए, चाहे जान चली जाए लेकिन तिरंगे की शान बरकरार रहना चाहिए। तो सब तैयार है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। 15 अगस्त को लेकर जो तैयारियां हैं उसके बारे में प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जो तिरंगा यात्रा है 30 किलोमीटर का, ये तिरंगा यात्रा काफी अद्भुत पल रहने वाला है। और आप देखिए, तिरंगे में रंगा हुआ पूरा जो इलाका है वो कुछ ही क्षणों में नजर आएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कितना अद्भुत पल होता है जब हम हमारे देश की आजादी को इतने शान और शौकत से मना रहे हैं। हुजूर विधानसभा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हुजूर विधानसभा क्षेत्र से ये सीधी तस्वीर आपके लिए, और देखिए तिरंगा लहरा रहा है। और साथ ही आज क्योंकि 30 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, तो ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से इसका आगाज किया जा रहा है। इससे पहले उन्होंने नाव पर भी बैठकर तिरंगा लहराया था, और साथ ही 15 अगस्त के लिए जैसा कि एक अभियान चलाया जा रहा है, हर घर तिरंगा अभियान, इसे भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। घर घर तिरंगा हो, चाहे दुकान हो या मकान हो, हर जगह तिरंगा लगाने की जो अपील है वो की गई है। अब आप प्रोफाइल पिक्चर्स में भी लोगों के देखने लगे होंगे, आपको डीपी में भी नजर आने लगी होगी तिरंगा। ये एक ऐसा अभियान जिसमें कि एक तिरंगा जरूर लगाए, चाहे घर में हो या दुकान में हो या कहीं पर भी, गाड़ियों में आप देखेंगे कि अब लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं तिरंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी
लोगों को शुभकामनाएं दी और साथ ही 30 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा को लेकर कहा कि ये बहुत ही अद्भुत पल होगा। तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज भोपाल में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकलने वाली है। जिस प्रकार से जोश उमंग उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड ये यात्रा तोड़ेगी। आजादी पूर्व दिवस के अवसर पर निकलने वाली इस यात्रा में हम सब संकल्प करें विभाजन की विभीषिका का दंश सहन करते हुए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है उन सबको भी हम जीवन भर न भूलें और भारत की जीवन में ऐसा कभी कोई दिन ना आए कि ऐसी घटना दोबारा हो। देश विरोधी ताकतों को जवाब देने के तो 30 किलोमीटर की जो तिरंगा यात्रा है वो काफी ज्यादा ऐतिहासिक रहने वाली है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते नजर आए। अभियान में लगा हुआ है तो मध्य प्रदेश सरकार भी हर जन जन हर कार्यकर्ता हर विधायक हर सांसद के साथ इस पूरे अभियान में साथ है। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश वासियों को देशभक्तों को आजादी के पूर्व दिवस की बहुत बहुत बधाई और इस यात्रा के प्रति भी मेरी कोटि से शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी का जो विजन रहा है उसके हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश जो है वो हर क्षेत्र में आगे रहा है, अव्वल रहा है पूरे देश में। तिरंगा यात्रा की सफलता को लेकर के मध्य प्रदेश में कितने आशा? मैं जैसा ये बता रहा है जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा हुआ है चारों तरफ से, जहाँ से मैं आ रहा मुझे रोड बदलना पड़ा, हर जगह हर स्थान पर क्या बच्चा बूढ़ा जवान युवा महिला किसान हर एक के हाथ में तिरंगा है, चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है और देशभक्ति का जो जज्बा जगा है। मैं उम्मीद करता हूं परमात्मा करे किसी की नजर न लगे लेकिन ये जज्बा कायम रहे और हम देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगातार संकल्पित होंगे। कि बंटवारा में कुछ अच्छे इलाके दूसरे को मिल गए, इसका क्या तात्पर्य? विभाजन की विभीषिका का दंश हम याद कर रहे हैं तो उस समय की घटनाओं को दोहराने से हम दोबारा ऐसी घटना न घटे इसका संकल्प करें और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़े ये भी संकल्प। सर, ओबीसी ने ट्वीट कराया था वीजा मंडल को लेकर, ओबीसी ने ट्वीट कराया था। अरे इस यात्रा की बात करो भाई, एक जानकारी आपको जरूर देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के इतिहास में हमारे पुलिस कर्मियों को अभी तक इतने राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिले थे जितने इस बार मिले हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे प्रशासनिक क्षेत्र के सभी विभागों ने अपना काम किया है और वीरता शौर्य बहादुरी के लिए इतने पदक मिलना ये पुलिस के लिए भी गर्व की बात है और सरकार के लिए भी गर्व की बात है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, जिसकी दृष्टि तिरछी है वो दुनिया तिरछी देखेगा, हम उनके लिए भी सद्बुद्धि की कामना करेंगे। सुना आपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या कहना था। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भव्य तरीके से आज तिरंगा यात्रा निकाला गया है और इस यात्रा को अगर हम देखें तो काफी अद्भुत है और शायद ही ऐसी तस्वीर आपने कहीं भी देखी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस भी अभियान का आह्वान किया गया उसका असर देखा गया है खासतौर पर मध्य प्रदेश में।